फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। अपराजिता जो है वो दो प्रकार की होती है, एक के वाइट कलर के ऐसे फूल आते हैं फ्रेंड्स, और एक नीले कलर के फूल आते हैं। मेरे पास ये दोनों ही प्लांट है। मैं जो है आज इस वाइट कलर के अपराजिता के बारे में बात करूँगी फ्रेंड्स। इसके कई नाम है फ्रेंड्स, इसको विष्णुक्रांता, विष्णुप्रिया भी बोला जाता है, और इसे शंख पुष्प भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी पुष्प जो है फ्रेंड्स वो शंख के आकार के होते हैं। इसके और भी कई नाम हैं। वाइट कलर की जो अपराजिता है फ्रेंड्स, वो दुर्लभ मानी जाती है, और ये मेडिसिनल प्लांट भी है फ्रेंड्स, और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो में हम इसके धार्मिक महत्व और इसके केयर के बारे में बात करेंगे। और इसके फूल जो है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर आते हैं। ये इस तरह के दिखते हैं इसके फूल, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। धार्मिक महत्व की बात करें तो इस बेल को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको घर में लगाने से घर का वास्तु दोष जो होता है वो दूर करती है ये, और इसको घर में लगाने से धन की वृद्धि होती है, और हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होती है, और इसके अलावा सौभाग्य की भी वृद्धि होती है फ्रेंड्स। और इसके फूल जो है माता लक्ष्मी और भगवान को, विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए इसके फूल को उन पे चढ़ाना चाहिए ताकि भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। और घर में लगाने से फ्रेंड्स घर की नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है, तो इस तरह से ये प्लांट जो है बहुत ही शुभ है फ्रेंड्स। इसकी केयर की बात करें तो ये जो प्लांट है लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो है। आप इसे नर्सरी से एक बार लगा लीजिए, फिर ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। इसकी ज़्यादा जो है केयर नहीं करनी पड़ती फ्रेंड्स, लेकिन जब भी आप इसे नर्सरी से ख़रीदें तो बड़े गमले में ही लगाएं, ताकि इसकी जड़ें जो है अच्छे से फैल सके। प्लांट की इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूल भी ज़्यादा आएंगे। अगर आप इसे छोटे गमले में लगाएंगे तो रूट बाउंड हो जाता है फ्रेंड्स, और फिर प्लांट को स्पेस नहीं मिल पाती है, तो फिर प्लांट जो है फ्लावरिंग रोक देता है। तो आप इसे जो है बड़े गमले में ही लगाएं। सॉइल की बात करें फ्रेंड्स, सॉइल ऐसी हो जिसमें पानी पॉट में रुके नहीं, पोरस और सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, जिसमें कि एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट सेंट और एक पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इस प्लांट को लगाएं। ऐसी मिट्टी में इसकी जड़ें जो है वो अच्छे से फैलेगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, जिसके कारण ये फ्लावरिंग जो है ज़्यादा करेगा। और फ्रेंड्स, पानी की बात करें तो इसे हर दो दिन में पानी दें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट की रूट जो है वो गलना शुरू हो जाएगी और फिर प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। जब भी पानी दें फ्रेंड्स, इसे पूरी तरह अच्छे से पानी दें, पानी जो है वो गमले से नीचे से निकलना चाहिए। और लाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को सनलाइट पसंद है। आप इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर 4-5 घंटे की अच्छी धूप आती हो, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये फूल भी अच्छे देगा। और फ्रेंड्स, प्रोपेगेशन की बात करें तो सीड से बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो किया जा सकता है। इसके सीड जो है कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसके सीड लगाने की कोई भी सीजन नहीं होती है। आप इसके सीड ऐसे ही पॉट में डाल देंगे तब भी उग जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए इसके लिए आप इस पर जब भी फूल आए, और फूल आके जब मुरझा जाए तो उनको तोड़ दिया करें फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा कि इस पर सीड नहीं बनेंगे। आप इस पर सीड ना बनने दें ताकि फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए। और फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे बनाना पिल्स का फर्टिलाइज़र 8 से 10 दिन में दीजिए, और 1.5 से 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। बनाना पिल्स से फ्रेंड्स इसके फूल जो है वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप ये फर्टिलाइज़र इसको दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप बुशी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से प्रूनिंग करते रहिए। मेरा प्लांट आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये, मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।